एक थे राजा जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान की भक्ति तो करते थे लेकिन केवल पढ़कर सुनकर ही करते थे। उन्होंने किसी वैष्णव से गुरु दीक्षा गुरु मंत्र नहीं लिया, ये उनकी जीवन की कमी थी। आपको दीक्षा लेना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, देवी जो लोग किसी के शरणागत नहीं होते, दीक्षा नहीं लेते, उसको नरक में भी जगह है, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। बेटा तुम पास में कहोगे, मैं चिल्ला के कहोगे, एक बार आधे राधे बोलो, जोर से बोलो, कहते हैं सत्संग चल रहा था और सत्संग में अगस्त मुनि आ गए, उनको देखकर प्रणाम नहीं किया, अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम हाथी बनोगे। जब गिड़गिड़ाए तो कहा भगवान के भक्त ग्रह जब तुम्हारा पैर पकड़ेंगे भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब ध्यान देना जरा, राजा इंद्रद्युम्न ने अगर किसी से गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लिया होता तो उसके अंदर अपने आप वैष्णवता आ गई होती। बंधुओं, व्यक्ति वैष्णव हो जाता है और दीक्षा लेते ही उसके मन में साधु महात्माओं के प्रति एक अलग भाव उत्पन्न होता है, इसलिए भी गुरु दीक्षा लोगों को लेनी चाहिए। ये हाथी बने और हाथी बनकर एक बार की बात, अपने पूरे परिवार को लेकर यह हाथी एक सरोवर में स्नान करने के लिए आया। कहते हैं हाथी का पूरा परिवार स्नान करकर निकल गया और जैसे हाथी निकल कर जाने वाला था, जल का एक प्राणी ग्रह ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी ने चेष्टा की, जब नहीं छुड़ा पाया, पत्नी ने चेष्टा की, बच्चों ने चेष्टा की और हाथी आप स्वयं जूझ रहा है। बंधुओं, एक कथा किसी हाथी की नहीं है, एक कथा तो तुम्हारी और हमारी है। जानते हो हाथी कौन है? ये जीव हाथी है और ग्रह काल है। जीव को जब काल पकड़ता है ना तो सोचता है पत्नी बचाए बच्चे बचाए। देखो पत्नी कैसी भी चाहिए बेचारी सेवा कर देगी, बच्चे कितने भी अच्छे सही अच्छा इलाज करा देंगे, लेकिन बंधुओं जिनके बच्चे अच्छे नहीं होते उनको उठाकर सरकारी अस्पताल में डाल देते हैं जहां पर डॉक्टर और नर्सें बिना मतलब मोटी मोटी सुइयां कोचते रहते। घर का एक मेंबर भी दिखाई नहीं देता बेचारा, पंखा ही देखता रहता है कोई तो घर का आवे।
बेटा आता है सुबह टिफिन धर के चला जाता है, दोपहर के बाद बहुरानी आती है 4 बजे के बाद, एक हाथ में पर्स लेकर एक हाथ में मोबाइल लेकर ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर खट 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 हॉस्पिटल में आती है और डॉक्टर से कहती है आपने ईसीजी किया, एक्सरे किया, आप ये बताइए कि क्या रिपोर्ट है, ब्लड की क्या रिपोर्ट है, यूरिन की क्या रिपोर्ट है। ऐसे एक्सरे देखती है कमबख्त कितनी बड़ी डॉक्टर यही है, मैंने देखा है। ईसीजी की रिपोर्ट को देखती है और जिस रिपोर्ट को बड़े बड़े एमडी डॉक्टर भी नहीं देख पाते, मैं सच कहता हूं। पिता कहता बैठो, पिताजी टाइम नहीं है बाबा, मेरी फ्रेंड गाड़ी में बैठी है, एसी चालू है, मुझे देरी हो रही है, मुझको जाना है, मेरी भी किट्टी पार्टी है, बोलो राधे राधे। कहां जाती है? हंसने की बात नहीं है, मैंने देखा है। बंधुओं, ये कथा हाथी की नहीं है, तुम्हारी और हमारी कथा है।